भारत में कृषि की गौरवशाली परंपरा रही है। इतिहासकारों द्वारा किए गए शोध ये दर्शाते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी कृषि व्यवस्था अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी। वैदिक काल में बुआई कटाई आदि क्रियाएं की जाती थी। चक्रीय परती पद्धति जो आजकल फसल चक्र के नाम से प्रचलित है, उसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने की परंपरा के निर्माण का श्रेय भी प्राचीन भारत को ही जाता है। उस समय लोगों को कृषि संबंधी जो भी अनुभव होते रहे उन्हें वे अपने बच्चों को बताते रहे और धीरे धीरे उनके अनुभव लोगों में प्रचलित होते रहे। इसी तरह से खेती का कार्य होता आ रहा था, लेकिन बदलते समय के साथ साथ कई बदलाव हुए, जैसे बढ़ती आबादी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, वर्षा की अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और कृषि में बढ़ती लागत और अधिक जोखिम। इन सभी ने न केवल किसानों बल्कि वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को भी चिंता में डाल दिया। ऐसे में जरूरत महसूस हुई कृषि में बदलाव करने की, जिसके लिए सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अहम भूमिका निभाई। यह सिलसिला सालों से यूं ही चला आ रहा है। किसानों को टिकाऊ खेती करने में ICAR के हर संस्थान का सहयोग मिल रहा है। इन्हीं संस्थानों में से एक महत्वपूर्ण संस्थान है कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, जिसे देश में अटारी के नाम से जानते हैं, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो चलिए, कृषि के इतिहास को जानने के बाद आज के श्रेष्ठ संस्थान में इसी संस्थान का रुख करते हैं। इस संस्थान के इतिहास को जानते हैं, यहाँ हो रहे कार्यों और प्रगति का जायजा लेते हैं। कैसे कानपुर स्थित ये संस्थान उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों किसानों का साथी बना हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। मन में सवालों का अंबार लिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से कानपुर तक की दूरी तय करते हैं। मन में जिज्ञासा लिए हम पहुंच चुके हैं कानपुर में स्थित ICAR के कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान में, जिसकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रौद्योगिकी परियोजना के हस्तांतरण की निगरानी के लिए वर्ष 1979 में कानपुर में क्षेत्रीय समन्वय इकाई के रूप में स्थापना की थी। इस जोनल समन्वय इकाई को मार्च 2009 में जोनल परियोजना निदेशालय के रूप में अपग्रेड किया गया था। फिर इसे ICAR कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान यानी अटारी के रूप में अपग्रेड कर दिया गया। वर्तमान में ICAR अटारी कानपुर उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ मिलकर ICAR द्वारा शुरू की गई प्रौद्योगिकी प्रसार परियोजनाओं की योजना, निगरानी, समीक्षा और समर्थन कार्यों में लगा हुआ है। इस संस्थान के कार्यों की बात करें तो इनमें मुख्य तौर पर शामिल हैं क्षेत्र में केवी के गतिविधियों की योजना, निगरानी और समीक्षा करना, प्रौद्योगिकी एकीकरण और प्रसार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की पहचान करना, उन्हें प्राथमिकता देना और कार्यान्वित करना। केवी के अनिवार्य गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र में SAUS, ICAR संस्थानों, संगठनों, लाइन विभागों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ समन्वय करना,
इसके साथ ही प्रभावी कामकाज के लिए केवीकेस को वित्तीय और ढांचागत सहायता प्रदान करना, इन सभी जिम्मेदारियों को अटारी बखूबी निभा रहा है और उपलब्धियां भी हासिल कर रहा है। आइए इन सब के बारे में जानने के लिए रुख करें निदेशक महोदय का। इस संस्थान की स्थापना जो अटारी के रूप में है, ये वर्ष 2018 में ये संस्थान बना। 2018 से पूर्व अगर देखें, अगर हम इतिहास इसका देखें, तो वर्ष 1989 में ये जोनल कोऑर्डिनेशन यूनिट के नाम से जाना जाता था। उस समय जो भारत सरकार की परियोजना लैब टू लैंड परियोजना चलती थी, तो उस परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा होता था जोनल कोऑर्डिनेशन यूनिट। और उस समय इस यूनिट की जो मुख्य रूप से जिम्मेदारी थी कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो लैब टू लैंड कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उसका एक तरह से निगरानी करना, उसकी मॉनिटरिंग करना। लेकिन धीरे धीरे इसके उद्देश्यों में भी बढ़ोतरी हुई, इसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ाई गईं। और वर्ष 2013 में, बल्कि 2009 में, ये जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट के रूप में ये अपग्रेड हुआ, जिसको क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय के रूप में जाना जाता है। और वर्ष 2018 में इसका फर्दर अपग्रेडेशन होकर ICR अटारी के नाम से जाना जाने लगा। हमें पता चला कि अटारी केवल कानपुर में ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी स्थित है। उप महानिदेशक कृषि विस्तार प्रभाग देश में स्थित कुल 11 ICAR कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों यानी अटारी के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्रों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करता है। कानपुर स्थित अटारी की बात करें तो ये जोन 4 के तहत आता है। अटारी एक ऐसा संस्थान है जो नवाचार और टिकाऊ तकनीकी कृषि के माध्यम से सभी के लिए भोजन और आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से काम करता है। अगर हम पूरे हिंदुस्तान में देखें तो हमारे पास कुल 11 अटारी हैं जो अलग अलग जोन में हैं, 11 जोन में हैं, विभिन्न प्रांतों को कैटर करते हैं रिक्वायरमेंट्स को। मुख्य रूप से जो कृषि विज्ञान केंद्रों की जो एक्टिविटीज़ है उनको प्रायोरिटाइज करना, उनका चिन्हित करना उन्हें, और उनको ये प्रायोरिटाइज करना कि कौन सी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस काम पर ज़्यादा करने का जोर है, और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन में, उसके क्रियान्वयन में उनको सपोर्ट करना। दूरदर्शन किसान पर, सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ICAR के दृष्टिकोण और मिशन को पूरा करने के लिए ये किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और पूरी रणनीति किसान पहले पर आधारित है। ये मौजूदा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली को जीवंत राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रणाली में बदलने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमें जानकारी मिली कि इसके तहत जोन 4 में ही ICAR द्वारा उत्तर प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन सभी
कृषि विज्ञान केंद्रों की गतिविधियों में शामिल हैं विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत कृषि प्रौद्योगिकियों की स्थान विशिष्टता की पहचान करने के लिए खेत पर परीक्षण करना, किसानों के खेतों पर प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए फ्रंट लाइन प्रदर्शन करना, किसानों का क्षमता विकास एवं विस्तार करना, जिले की कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना, किसानों की रुचि के विभिन्न विषयों पर ICT और अन्य मीडिया माध्यमों का उपयोग करके कृषि संबंधी सलाह प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण तकनीकी उत्पादों का उत्पादन करना, कृषि सामग्री किसानों को उपलब्ध कराना, फ्रंटलाइन विस्तार गतिविधियों का आयोजन करना, चयनित कृषि नवाचारों की पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना। इसी के साथ ही KVK के अधिदेश के भीतर चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाना। इन सभी गतिविधियों के चलते देश के लगभग हर जिले में स्थित कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका काफी अग्रसर है। मैं बताऊं कि जो हमारे नवासी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनमें हर कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा जो इनके कुछ मैंडेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो चिन्हित जो कार्यक्रम हैं, जिसमें मुख्य रूप से इनका प्रक्षेत्र परीक्षण है जिसको हम ऑन फार्म टेस्टिंग कहते हैं, दूसरा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन है जिसको हम फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्यक्रम जो क्षमता निर्माण या प्रशिक्षण का कार्यक्रम, ये तीन महत्वपूर्ण कृषि विज्ञान केंद्र के तीन महत्वपूर्ण एक्टिविटी हैं। उसके अलावा भी दो तीन और भी महत्वपूर्ण हैं एक्टिविटी, जैसे बीज उत्पादन करना, प्लांटिंग मटेरियल का उत्पादन करना, और जनपद में अपने दूर दराज के किसानों तक पहुंचने के लिए जो IT का जो माध्यम है, IT के माध्यम को उपयोग करके उसको दूर दराज के किसानों तक कम समय में बड़े प्रभावशाली तरीके से पहुंचना, IT टूल को उपयोग करना, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ के रूप में है। कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान से जुड़े कृषि विज्ञान केंद्र क्षेत्र के किसानों के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब तक के सफर की बात करें तो अनेकों उपलब्धियां इस संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्रों ने अपने नाम की हैं। गत वर्ष में ही KVKs ने 9131 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए, कुल मिलाकर 169,272 किसानों और कृषक महिलाओं के साथ ही 22,174 ग्रामीण युवाओं को विभिन्न उद्यमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया। इसी प्रकार से 18,493 विस्तार कर्मियों को भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। कुल 32,780 फ्रंटलाइन प्रदर्शन भी आयोजित किए गए, जिनमें फसलें, बागवानी, कृषि उपकरण, पशुधन उपभेद और अन्य उद्यम शामिल थे। प्रौद्योगिकी की बात करें तो इस दिशा में भी अहम काम हुए हैं। जैसे कुल 995 प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया। और 4,517 परीक्षण तीन श्रेणियों फसल, पशुधन और अन्य उद्यमों के तहत किए गए। साथ ही विस्तार गतिविधियां, जनसंचार विस्तार गतिविधियां, किसानों के लिए पाठ और आवाज के माध्यम से मोबाइल सलाह, वर्षा जल संचयन और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत प्रशिक्षण और प्रदर्शन आयोजित करना भी कार्य प्रणाली में शामिल रहा। वर्ष 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों ने अनाज, दलहनी फसलों, तिलहन, सब्जियों, चारा फसलों, मसालों और बीजों का उत्पादन किया। इन सब के साथ में वाणिज्यिक फसलें भी उगाई गईं। खेती के साथ ही पशुपालन का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के KVKs ने गाय, भैंस, बकरी आदि की पशुधन नस्लों का उत्पादन किया। वहीं
पोल्ट्री, सूकर और मत्स्य पालन व्यवसाय में विकास के लिए कार्य भी किए गए। इन सभी उपलब्धियों के साथ ही संस्थान में अनेकों मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जानकारी के लिए बताएं कि यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल है, कंप्यूटर लैब है और कॉन्फ्रेंस हॉल भी उपस्थित है। नवासी कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में स्थित हैं और वह कृषि विज्ञान केंद्र सभी अपने जनपद की जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, संसाधन है, किसानों की आवश्यकता है, उसके अनुसार समग्र कृषि पर आधारित तकनीकों को किसानों के भागीदारी में उनके खेतों में तकनीकों का परीक्षण करते हैं और साथ ही साथ परीक्षण के बाद जो तकनीकें अच्छे और उभर करके आती हैं और किसानों के द्वारा उसको पसंद की जाती हैं, उसको व्यापक पैमाने पर कैसे प्रभावी ढंग से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए एक सबसे सशक्त माध्यम है प्रदर्शन, जिसको कि हम डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिक, 6 वैज्ञानिक हर कृषि विज्ञान केंद्र पर विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, थोड़ा जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कृषि स्टार्टअप देखिए हमारे साथ सिर्फ डीडी किसान पर, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। संस्थान के बारे में जानने के बाद अब वक्त हो गया है कृषि विज्ञान केंद्रों का रुख करने का। संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अब हम निकल पड़े हैं कीवी के कानपुर देहात की ओर, जो अपने क्षेत्र के किसानों की उन्नति में अहम भूमिका निभा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा यहाँ कई तरह की गतिविधियों का संचालन होता है, खास तौर पर स्किल इंडिया की तरफ से गांव के लोगों को प्राकृतिक खेती के फायदे, इसके साथ ही रोजगार के रूप में प्राकृतिक खेती को कैसे अपनाया जाए, ये समय समय पर ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया भी जाता है और समझाया भी जाता है। हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वो स्किल इंडिया के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल इंडिया कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है, इसमें बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बने, ये इसलिए ये बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रहे। साथ ही केवीके में मिट्टी की जांच की व्यवस्था भी है। गांव के लोगों को ये समझाया जाता है कि मिट्टी की जांच कराकर कैसे वो पैदावार को बढ़ा सकते हैं। गांव के लोगों को यहां पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट के मॉडल के माध्यम से इसके निर्माण के बारे में भी सीख दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात में किसानों के लिए नवीनतम तकनीकियों का प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रसार कार्यकर्ताओं को भी नवीन तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसी के साथ ही ऐसे युवा जो कि स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुके हैं और किसी रोजगार में भी नहीं हैं, उनको रोजगार परक प्रशिक्षण जैसे नर्सरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक रसायन इत्यादि का प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ने में मदद की जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर देहात में प्रशिक्षण लेने आई हूँ, जो कि जैविक फार्मिंग के बारे में है। कृषि विज्ञान केंद्र देहात अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से भी किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताता है। यहाँ उत्पादन की लागत को कम करने, कीट व रोगों को नियंत्रित करने, पैदावार को बढ़ाने, महिलाओं के परिश्रम को कम करने,
कृषि औजार तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग के बारे में प्रदर्शन लगाकर नवीनतम शोध प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। केवी के देहात में वर्तमान समय में मछली, गौपालन, कुक्कुट पालन, सघन अमरूद बागवानी, सब्जियां, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पोषण वाटिका, प्राकृतिक खेती इत्यादि की प्रदर्शनी इकाइयां स्थापित हैं, जिनका भ्रमण कर यहां से किसान जागरूक हो रहे हैं। युवाओं में जो स्किल है, जो कौशल विकास का कार्यक्रम है, तो एग्रीकल्चरल स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोग पिछले 4-5 वर्षों से उत्तर प्रदेश के हर वर्ष 25 जनपदों में, फिर वो कार्यक्रम खत्म हुआ तो अगले साल पुनः उसे 30 जनपदों में, वो कौशल विकास का कार्यक्रम हम लोग प्रशिक्षण चला रहे हैं। केवीके द्वारा एफपीओ के निर्माण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। समय समय पर गांव-गांव जाकर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। किसानों में एफपीओ के प्रति जागरूकता लाई जा रही है। 313 सदस्य शेयर होल्डर हमने इस कंपनी में अपने जोड़े, जिनकी शेयर मनी 8,05,330 रुपए एमसीए में रजिस्टर्ड हो गई है। इन कृषकों को हमारे कृषि वैज्ञानिक केंद्र दिलीप नगर के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ करता है। किसान केवीके का साथ पाकर जागरूक हो रहे हैं, एफपीओ से जुड़ रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव भी ला रहे हैं। यह खेड़ा कृषि किसान उत्पादक संगठन लगभग 2-3 वर्ष हो गए हैं इसको बने हुए, और इसमें जो कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात है, ये तकनीकी सहायता इस संगठन को पूर्णतया जो है मुहैया कराता है। कृषि विज्ञान केंद्र देहात वाकई किसानों की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है, जाना हमने यहाँ की कार्य प्रणाली को देख कर। ऐसे ही प्रदेश के बाकी केवीके भी अटारी के साथ से कृषि क्षेत्र और किसानों के विकास के लिए अग्रसर हैं। अन्य कृषि विज्ञान केंद्रों और इनका साथ पाकर सफल हो रहे किसानों की दास्तानें भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको अगले अंक का इंतजार। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं ICAR के अटारी से, तो आप यहां का पता नोट कर लीजिए। कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश, 208002। आप फोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। यहां का नंबर है 0512-2533-560 और 2550927, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है zpdicarkanpur@gmail.com। इसी उम्मीद के साथ कि अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात, आज के अंक में बस इतना ही।